आलोक वत्स हमारे साथ बने हुए। आखिर में आलोक जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं की जा सकती। यही सरकारें हैं, उनके कैबिनेट में जितने मंत्री हैं उन सबको सुरक्षा मिली हुई है। खुद मुख्यमंत्री जी को वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी, उनकी सुरक्षा मिली हुई है। गुरमीत राम रहीम, वो जब जेल से बाहर आते हैं, जिन पे बलात्कार के आरोप हैं, दोषी पाए गए हैं, वो उनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। लेकिन हरियाणा के एक आम नागरिक को उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका संदर्भ आपने उसको गलत ले लिया। क्या यह संभव है किसी भी सरकार के लिए कि पूरे प्रदेश के लोगों को जेडिया भाई या कोई भी सुरक्षा मुहैया करा दे? आप बताइए, क्या यह संभव है? सरकारों का काम जो इकबाल होता है आलोक जी, इकबाल का काम यह नहीं होता है हर व्यक्ति के सामने पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए। इकबाल का काम होता है अपराधियों के अंदर खौफ, इकबाल का काम होता है दंगाइयों के अंदर खौफ, कानून का डर, कानून का राज, ताकि अपराधी अपराध करने से डरें, ताकि देश का हर व्यक्ति, देश की हर महिला जब वो सड़क पे निकले तो वो सुरक्षित महसूस करे। अगर इकबाल नहीं होता तो 41 FIR दर्ज हो गया, 116 आदमी हिरासत में ले लिए गए, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेज और सारे लोगों को वहां उतार कर पूरी सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। अगर ये इकबाल नहीं है तो बगैर इकबाल के काम हुआ है? इकबाल होता तो वो मणिपुर में जो दो महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई, वो इकबाल नहीं था? आप मणिपुर की बात नू में पत्थरबाजी हुई, खौफ हुआ, गाड़ियां जलाई गई, इसका मतलब कानून का डर लोगों को वहां नहीं है। देखिए, पहले ये स्पष्ट कर दें कि आप मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं या मणिपुर की चर्चा और हरियाणा की, दोनों पे हम कर रहे हैं कि सरकार सिस्टम क्यों फेल हो रहे हैं। देखिए, जब षड्यंत्रकारी ताकतें इस देश में इस तरीके का प्रहार करेंगी तो ये सब होना निश्चित है, लेकिन सरकार जितनी सख्ती से इनसे निपट रही है वो भी अभूतपूर्व है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्राउंड पे क्या दिख रहा है ये वहां के लोग बता सकते हैं कि वाकई में सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। ये ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है।